वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने WhatsApp पे फुल DP लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपने WhatsApp को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ से WhatsApp को ओपन कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेटिंग में जाना है और इसके बाद अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से कैमरा पे क्लिक करना है और इसके बाद गैलरी में जाना है। और गैलरी में जाने के बाद चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई भी एक फ़ोटो। ये देखिए, ये ABC कर के फाइल है और मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। तो देखिए, ये फ़ोटो तो पूरा आ ही नहीं रहा है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इस फुल फ़ोटो को अपने मोबाइल में आराम से लगा पाएंगे और आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं इसे यहाँ से फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से फिर मैं आ जाता हूँ अपने गैलरी में। तो चलिए, मैं अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन कर दिया और गैलरी को ओपन करने के बाद देखिए, ये वही फ़ोटो है जो फ़ोटो अभी नहीं लग रहा था, ये हाफ ही आ रहा था। तो फ्रेंड्स, क्या करना है इसके लिए, आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रॉप का। आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे फ्रेंड्स दिख रहा है एक ऑप्शन रोटेट का। तो आपको यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इस तरह से और यहाँ से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, बस अब काम हो गया ख़त्म। चलिए अब मैं चलता हूँ यहाँ से, अभी इसको सेव कर दिया फ्रेंड्स और इसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ से फिर से मैं अपने WhatsApp को यहाँ से ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद फिर से यहाँ से गैलरी में जाता हूँ और गैलरी में जाने के बाद मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ जहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। तो चलिए, यहाँ पे ये है स्क्रीनशॉट, देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो सबसे ऊपर में जो रखा हुआ, ये फ़ोटो। और देखिए फ्रेंड्स, ये फ़ोटो आराम से आ रहा है। अब ये ऑलरेडी और ये छोटा हो जा रहा है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे रोटेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर रोटेट वाले ऑप्शन पर इसको क्लिक कर देना। रोटेट वाले ऑप्शन पर इस तरह से जब क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रोटेट हो गया और आपको यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लग के तैयार हो चुका है और यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए, और ये फुल फ़ोटो लग के तैयार हो चुका है हमारे फ़ोन के DP में। तो इस तरह से आप अपने WhatsApp के DP में फुल फ़ोटो लगा पाएंगे। तो ये ट्रिक आपको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलिए मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और देखिए, मेरे प्रोफाइल में जो है फुल DP लग चुका है और इसके लिए आपको अलग से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।